नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल बड़सी गांव के नज़दीक हम खेतों में खड़े हैं। यहां पर एक पटाखा फैक्ट्री, हालांकि उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि ये लीगल है या इसको अवैध तरीके से यहां पर चलाया जा रहा था। हालांकि अंदर पटाखा फैक्ट्री में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और उसके अंदर दो लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक युवती और एक युवक का बताया जा रहा है। एक की पुष्टि हो चुकी है जो 18 साल का, हालांकि पुलिस प्रशासन अभी जांच कर रहा है। बोम स्क्वाड जो टीम है वो भी पहुंची है। फिलहाल अंदर के आपके जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहा हूं आपको। फिलहाल हम पहुंचे हैं ऑन द स्पॉट और ये देखिए जिस तरीके से, हालांकि लग नहीं रहा है कि ये स्पेशली पटाखा फैक्ट्री के लिए यहाँ पर किया जा रहा था ये काम। ये फैक्ट्री किसी और काम के लिए थी और सामने, हालांकि हम नज़दीक जाएंगे नहीं। ये देखिए किस तरीके से टिन का थोड़ा दिखा दें प्रदीप, ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त हुआ है। ये टिन के टुकड़े टूटे पड़े हैं जो ऊपर उस पर लगाए गए थे और अंदर सिर्फ ये रहा कि दो लोगों की डेथ हुई है और दो फैमिली यहाँ पर काम कर रही थी। पुलिस प्रशासन मौजूद है, कई घंटे से यहाँ पर काम चल रहा है और उनको सिविल हॉस्पिटल फिलहाल बताया जा रहा है कि पहुंचा दिया गया है। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन से हम बात करेंगे, जानेंगे यहाँ पर अब तक कितने लोगों की इंजरी हुई है और किसको कहां तक फिलहाल क्या क्या सपोर्ट मिली है और कौन लोग ये फैक्ट्री चला रहे थे, इसको वैलिड तरीके से चलाया जा रहा था या अवैध थी पूर्णतया। 19,750 में यूपीएससी, एसएससी, बैंक और एनडीए की सरकारी नौकरी। एसएसबी कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट की 100% गारंटी। ब्लास्ट हुआ 2 बजे बरसी गाँव में फैक्ट्री है, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। वो मुकेश बच्चों को अंदर बैठा कर काम कराता था। बाला नाम है। हाँ, और सेठ का नाम बाला है। मुकेश है। तो किस चीज की फैक्ट्री है वो? पटाखे की। कितने दिन से काम कर रहे थे आप वहाँ पे? हमें तो 15-20 दिन हुए। अच्छा, फिर आज ये ब्लास्ट कैसे हुआ? पता नहीं, ये तो हेड माल उसने भर के दे दिया, उसकी हम पैकिंग करते थे, बच्चे भी हमारे पैकिंग करते थे। उसने तो आज उसने अपनी तरफ से लगा के अंदर बैठा रखा झाड़ी पे। तो कितने जने काम करते थे? हम जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं और दो परिवार काम करते हैं, और जो कि और जो लोकल के थे, दो परिवार लोकल के थे। टोटल कितने आदमी थे? आधे 15-20। आज हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक फैक्ट्री में आग लगी है, जिस सूचना पर हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ आकर देखा तो कोई पटाखा पटुखा बना रहे थे, जिसके अंदर वहाँ ब्लास्ट हो गया। उस ब्लास्ट में दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनकी डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए जनरल हॉस्पिटल भिवानी में शिफ्ट करा दिया है। इसके अलावा ना तो कोई इंजर्ड है, ना कोई और कैजुअलिटी है। जो मरने वाले हैं उनकी उम्र क्या है, क्या नाम है? जो अभी तक हमें बताया गया है, गुड़िया है मुस्कान नाम की, ये भी 18 साल से ऊपर है, बालिग है। लड़का है सचिन नाम का, उसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया है, बता यही रहे हैं कि वो भी 18 के आसपास है। कहाँ से थे सर? ये यूपी मैनपुरी से थे, दो परिवार थे। ठीक है, इनके फैमिली मेंबर से दो परिवार थे, वही रह रहे थे। ये कौन सी फैक्ट्री है, किस चीज की है और यहाँ पर कौन ये काम करवा रहा था? ये अभी जांच का विषय है, अभी स्पष्ट नहीं है, जांच चल रही है। पटाखा फैक्ट्री है? पटाखा फैक्ट्री आप कह सकते हो या नहीं कह सकते, यहाँ कोई ऐसा इस चीज का कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ। ये डॉक्यूमेंट्स की जांच के ऊपर निर्भर करेगा, लीगल है इलीगल है। सर, यहाँ पर कुछ और भी बरामद किया गया है, कुछ पटाखे वगैरह बरामद हुए हैं? हाँ, वो अभी कार्रवाई चल रही है। अभी यहाँ हमने बम स्क्वाड वगैरह भी बुलवा रखे हैं और सीन ऑफ क्राइम टीम हमारी वो भी आई हुई है, वो अपनी अभी जाँच का विषय अभी चल रही है। तो फिलहाल दो लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन SHO भवानीखेड़ा पहुंचे, उन्होंने की है। फिलहाल जांच चल रही है, बोम स्क्वाड टीम भी पहुंची, हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखा ऑन द स्पॉट हम पहुंचे। और फिलहाल ये बड़ा हादसा, दीपावली नज़दीक आ रही है, नवरात्र भी आने वाले हैं, तो लोग कहीं ना कहीं चाहे वैसक किसी भी तरीके से, सरकार कितनी रोकथाम लगाती है NCR में, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रयास रहते हैं कि पटाखों से दूर रहा जाए, लेकिन फिर भी लीगल या इलीगल तरीके से लोग ट्राई करते हैं कि हम तैयार करें और बिकते हैं बहुत सारे पटाखे। आज ये सबूत भी था यहाँ पर, पता नहीं, हालांकि वो तो कागजों के बेस पे तय होगा कि इसको परमिशन मिली थी या फिर वैसे ही ये चलाई जा रही थी, लेकिन दो लोगों की आज जान जा चुकी है उन पटाखों के चक्कर में। प्रदूषण से जान जाए ना जाए, लेकिन फिलहाल दो बच्चों की, फिलहाल 18 के आसपास की उम्र बताई जा रही है,
उनकी जान जा चुकी है, जो कि यूपी से आकर के यहाँ पर मजदूरी दो परिवार कर रहे थे। उन्होंने दो लाल अपने दो बच्चे खो दिए हैं इन पटाखों के चक्कर में, बड़ा हादसा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में लिखें क्या पटाखे बैन होने चाहिए और पटाखे बैन होने के लिए इन फैक्ट्रियों पर अंकुश लगना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।